अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, 1429 कोड बिजनेस मैथ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका का यही होता है कि जो आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 और 2, उसको आप अच्छे तरीके से समझें। तो अगर आप इन दोनों असाइनमेंट्स को समझ लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, हालांकि असाइनमेंट तो आपने सॉल्व करनी है, सबमिट भी करवानी है, आपने ट्यूटर को देनी है, तो क्यों ना आप सॉल्व करते जाएं, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप उसको साथ साथ समझते जाएं। जब आप समझ के लिखेंगे ना, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपको 20 से 30 नंबर का पेपर आपका इसी में से आ जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप समझ के करते हैं ना, तो आप इस असाइनमेंट में से ही 20 से 30 नंबर ले सकते हैं। तो आप लोगों ने केयरफुली समझना है, आप लोगों ने असाइनमेंट 1 और 2 के तमाम क्वेश्चन को समझना है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप डेली बेस पर एक एक भी करें तो 10 दिनों में ये क्वेश्चन हो जाएंगे और मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इनकी प्रैक्टिस करें। असाइनमेंट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों ने समझना उसको, तो आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप तमाम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट का, स्प्रिंग 2023 की। इसमें दिया हुआ है इफ a = 12, 3, -5 और 7, b = -1, 11, 7 और 9, c = -8, 13 और 9। ये तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तीन क्या दिए हुए हैं? मैट्रिक्स दिए हुए हैं। कहते हैं वेरीफाई करें, ये हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ये दो क्वेश्चन हैं, सिंपल है, करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a * bc। तो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो दो मैट्रिक्स हैं, इनको सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है b और c। तो पहले आप इनको लिख लें, b और c, इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बी हमारे पास दिया हुआ -1 और 11, 7 और 9। उसके बाद सी है, सी लिखेंगे। याद रखना, बी और सी के दरमियान यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बी लिखेंगे फिर उसके बाद सी लिखेंगे, दरमियान में कोई अलामत नहीं लगानी आप लोगों ने, ठीक है। सी हमारे पास दिया हुआ है 2 - 8, 2 - 8, 13 और 9, ठीक है, 13 और 9 लें जी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करना सीखें आप, ठीक है। ये जो रो है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो पहली रो है ना, इसको आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जो पहला नंबर है उसको पहले नंबर से ज़रब करना है, -1 को 2 से ज़रब करना है। -1 को 2 से ज़रब करें वो क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद जमा की अलामत लगानी है, दूसरे को दूसरे के साथ, 11 को 13 के साथ ज़रब करना है। तो 11 को 13 के साथ ज़रब कर लें, 3 * 3, 3 * 3, 11 * 11, तो ये आ जाएगा 143, ठीक है, 143। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 143, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आपने ये सेकंड कॉलम लेना है। अब आपने क्या करना है, -1 को -8 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा +8। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस ना भी लिखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस का साइन मौजूद है। उसके बाद दूसरे को दूसरे के साथ, 11 को 9 से ज़रब करें, तो वो आ जाएगा 99, ठीक है। ले जी, ये हमारे पास एक रो हो चुकी है। अब आपने लेनी है ये सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दूसरी रो लेनी है और पहला कॉलम लेना है। पहले नंबर को पहले के साथ, 7 ज़रब 2 = 14, उसके बाद 13 ज़रब 9, 9 ज़रब 3 = 27, 9 * 1 = 2 = 11, 117, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने सेकंड कॉलम लेना है, 7 को -8 से ज़रब करना है, तो ये 56 आ जाएगा, 8 ज़रब 7 = 56। उसके बाद 9 को 9 से ज़रब करना है, तो वह आ जाएगा 81। ले जी, अब इसको ऐड करें, 143 में से 2 माइनस करें, बाकी 100
41, 99 में 8 जमा करेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा 107, 117 में 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 और 4 11, असल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 131, ठीक है। उसके बाद 81 में से 56 माइनस कर देंगे, 81 जमा का 56 माइनस का है, तो क्या करेंगे 11 में से 6 निकालेंगे, बाकी रह जाएंगे 5, यहाँ पे 7 है, 7 में से 5 निकालेंगे 2। ले जी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है बी और सी का। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए बी सी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए, बल्कि यहीं पे लिख लेता हूँ, ए इंटू बी सी। ले जी, पहले आप क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है तो पहले आप यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, ए लिखें, ए दिया हुआ है 12, 3, 5 और 7, 12, 3, -5 और 7। उसके बाद देखें क्या दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, तो बी और सी का जो हमने आंसर निकाला है, ये वाला जवाब जो निकाला है ना, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके साथ जोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, जवाब हमारे पास आया 141 और 107, उसके अलावा 131 और 25। ले जी, तरीकाकार फिर वही है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेना है, पहले नंबर को पहले के साथ, जो हमारे पास ये 12 दिया हुआ है ना, इस 12 को 141 के साथ ज़रब करना है, तो यहाँ पे मैं ज़रब करता हूँ, 12 को ज़रब करता हूँ 141 के साथ, तो वह आ जाएगा 1692, पहले नंबर को पहले के साथ 1692। उसके बाद जमा लगाना है, 3 को 131 के साथ ज़रब करना है, ठीक है, 3 को 131, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 131 ज़रब 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 393। ओके, इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, ये सेकंड कॉलम लेना है, 12 को 107 के साथ ज़रब करना है, तो 12 ज़रब 107, ठीक है, तो ये 1284 जमा, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, 25 को 3 से ज़रब करें तो वो आ जाएगा 75। होपफुली कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपने सेकंड कॉलम लेना है, सॉरी सेकंड रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, 5 को 141 से ज़रब करना है, 5 ज़रब 141, तो आ जाएगा 705, लेकिन साथ में ये माइनस है तो आपने माइनस ज़रूर लिखनी है, ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, 131 को 7 के साथ ज़रब करना है, ठीक है, 131 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 917 आएगा। ओके, अब आपने ये सेकंड कॉलम लेना है, पहले नंबर को पहले के साथ, 5 को 107 के साथ ज़रब करें, ठीक है, तो आ जाएगा 535, ये साथ में माइनस है तो माइनस भी आप लिखेंगे 535। उसके बाद जमा, 25 को 7 से ज़रब करेंगे, ठीक है, 25 ज़रब 7, तो आ जाएगा 175, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब इनको ऐड कर लेना, जमा करेंगे 1692 जमा 393, तो ये आ जाएगा 2085, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जमा करेंगे, 5 और 4 9, 7 और 8 15, 2 और 1 3, और ये आ जाएगा 1359, ठीक है, 1359, 1359। ले जी, अब इनको करेंगे, ये जमा का और ये माइनस का, तो अब इनको माइनस करेंगे, 917 में से माइनस करेंगे 705, ठीक है, तो वह आ जाएगा 212। उसके बाद माइनस 535 में से जमा के 175 निकाल देंगे, 535 में से जमा के 175 निकाल देंगे, ठीक है, तो वो बाकी रह जाएगा 360। ले जी, ये हमारे पास एक साइड आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है, और अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड का आंसर हमने चेक करना है कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता, तो यहाँ पे हम अब राइट साइड लेंगे,
अब आपने करना क्या है, होपफुली कि आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि नोट किए बगैर मैथ कभी भी नहीं आती। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मैथ नहीं आएगी। जितना मर्जी इसको आसान समझ लें, गलतियां करेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ करते जाएंगे तो आप लोगों को मैथ आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। ये वाहिद किताब है, बुक है, जहाँ पर जिसमें आप पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ए बी इंटू सी। पहले आप ए बी को ज़रब करेंगे, ए बी इक्वल टू पहले ए लिखेंगे, ए दिया हुआ है 12, 3, 5 और 7। उसके बाद बी दिया हुआ है -1, 11 और 7 और 9। इनको ज़रब करेंगे, पहला कॉलम पहली रो लेंगे, पहला कॉलम लेंगे 12 1 12 3 ज़रब 7 21, ठीक है। फिर आप दूसरा कॉलम लेंगे, 12 को 11 से ज़रब करें तो ये आ जाएगा 132, ठीक है, 12 को 11 से ज़रब करेंगे तो 132, ठीक है। उसके बाद 3 को 9 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब सेकंड रो ले लें, -5 को -1 से ज़रब करें, -+ हो जाएगा 5 1 5। 7 को 7 से ज़रब करें तो ये आ जाएगा 49। -5 को 11 से ज़रब करें, -55 आ जाएगा। 7 को 9 से ज़रब करें तो ये आ जाएगा 63। ओके चलें जी, अब 21 में से 12 निकाल दें, बाकी मेरे पास रह जाएगा 9, और इनको जमा करेंगे 7 और 2 9, ठीक है, 2 3 5 और 1 ये 159 हो जाएगा, ठीक है। चलें इसके बाद इनको ऐड करेंगे, 49 और 5 54, ठीक है, और 63 में से 55 माइनस के निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 8 रह जाएंगे, ठीक है। लें जी ये ए बी आ चुका है, अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है ए बी इंटू सी, ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो ए बी का जवाब निकाला था ना हमने, वो पहले लिखना है, वो हमने क्या करना है, वो पहले लिखना है, ठीक है। 54 8 ज़रब, उसके बाद सी है, सी हमारे पास दिया हुआ है 2 -8 13 और 9, 2 -8 13 और 9। ओके गुड हो गया, अब इनको ज़रब करना है, तो इनको ज़रब करने के लिए मैं यहाँ पे इतना हिस्सा रेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आंसर जो ना ये रेज नहीं कर रहा, क्योंकि हमने मैच करना क्वेश्चन का आंसर जो मैं निकाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, दोनों का आंसर हमने मैच करना है, दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता, तो लिहाजा ये मैं रेज नहीं करूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ज़रब 2, ठीक है, 9 ज़रब 2 18, उसके बाद ठीक है ये फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है, पहले नंबर को पहले के साथ 9 ज़रब 2 18, उसके बाद 159 को 13 से ज़रब करेंगे, ठीक है, 159 ज़रब 13, 2067 आ जाएगा, जमा 2067, ठीक है। अच्छा अब आपने सेकंड कॉलम लेना है, 9 को 8 से ज़रब करेंगे, -72 आ जाएगा, ठीक है, 159 को 9 से ज़रब करेंगे, 159 ज़रब 9, 1431 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आप सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ज़रब 2 10, ठीक है, 13 को 8 ज़रब करें 8 ज़रब 3 24, 8 1 8 और 2 10, 104 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सेकंड कॉलम लेना है, 5 को -8 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा -40, ठीक है, 8 को 9 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ले जी। अब देखिएगा इनको ऐड करें, 8 और 7 15, हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8, और आगे ये आ जाएगा 20। ओके इसको भी माइनस करेंगे, 1431 में से माइनस करेंगे 72, तो 1359 रह जाएगा, 1359, ठीक है। इसी तरीके से 104 है, सॉरी टू से यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 13 है, ठीक है, मैंने समझा 132 है, 13 है, ठीक है।
अब इनको ऐड करें 104 और 10 124, ठीक है, और इनको भी 72 में से 40 माइनस कर दें, बाकी हमारे पास 32 रह जाएगा। लें जी, ये हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब यहाँ से चेक करना आप लोगों ने कि क्या आया कि ये दोनों का आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का लिखना है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। ये आपने लाजमी लिखना, होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में ये सेकंड पार्ट करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट हम करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी तो हम इसका सेकंड पार्ट भी साथ कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी मानिल्लाह।